धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये मुहिम चलाई और ये शहर में लाइव चला के लोगों को बता रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो व्यापारियों के लिए हित की बात सोच के रात्रि 8 बजे का दायरा बढ़ाया। इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड स्मार्ट वॉचेस कलेक्शन विद ग्रेट ऑफर्स एट मिनट्स टू स्टाइल, स्टेशन रोड अजमेर एंड अपोजिट सूचना केंद्र जयपुर रोड अजमेर। धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये मुहिम चलाई और ये शहर में लाइव चला के लोगों को बता रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो व्यापारियों के लिए हित की बात सोच के रात्रि 8 बजे का दायरा बढ़ाया। आप श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने समय समय पे कई आंदोलन भी करे, कई मांगे करी कलेक्टर के मार्फत से या SP साहब के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँचाई। हमने दरगाह के बाहर भी प्रदर्शन करा कि सारे धार्मिक स्थल खोले जाएँ, धार्मिक स्थलों का बिगड़ा व्यापार बिल्कुल मंदा है। हमने समय समय पे जैसे कि कलेक्टर के यहाँ पे ज्ञापन दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी रात्रि 8 बजे का दायरा बढ़ाया, उसमें व्यापारियों को खुशी की लहर है और वीकेंड कर्फ्यू हटाया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू हटाया। आज इससे व्यापारी वर्ग वैसे ही परेशान है, पिछले मार्च से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें व्यापारी बहुत टूट चुका है। यहाँ तक कि अजमेर में अधिकतर 80% व्यापारी किराए की दुकानें लेकर व्यापार करते हैं और ऐसे में जब व्यापार वैसे ही नहीं है और वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ था सब पहले समय 4 बजे तक का था, हमने मांग करके 7 बजे तक का कराया। अब मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री 8 बजे का कराया, इससे व्यापारी में खुशी की लहर है। श्री अजमेर व्यापारी महासंघ माननीय मुख्यमंत्री, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों को सचेत कर दिया है, लेकिन व्यापारियों के पास जो ग्राहक आ रहे हैं उनको किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल कोरोना गाइडलाइन की पालना कराई जा रही है? हम सभी व्यापारी लगभग कोरोना गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं और व्यापारियों को मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 गज की दूरी सही। हम ये मानते हैं कोरोना की तीसरी लहर जो कि बहुत ही संभावित आने की संभावना है, यहाँ तक कि घोषणा भी हो चुकी है, तो उसको देखते हुए व्यापारी अपनी सहजता से सारे काम कर रहा है।